ये देखो गाइस, मंदिर देखो पहले तो ये दूसरे स्ट्रक्चर में बना है। मैं तो मेरे ऊपर नहीं गिरा, ये तो पैरों के ऊपर पत्थर। गुड 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 संजय भाई, गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा भाई घूम जा। गाइस जो आम खाने का मजा है ना भाई, वो पेड़ पे चढ़ के ही है। जय माँ काली। तो आज आए हैं हम भाई एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जो कि हिमाचल के नाहन में, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन, जो सिरमौर का मुख्यालय वहाँ पे, और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा फेमस मंदिर नहीं है। और इस मंदिर की एक सबसे खास बात ये कि काली माता का मंदिर है यहाँ पे, और जो यहाँ के लोकल बंदे हैं वो यहाँ पे आते हैं। बाकी ऐसे ही बाकी मंदिरों की तरह फेमस नहीं, जैसे नाहन का जगन्नाथ हो गया या काली माता का मंदिर हो गया कालीस्थान में। ये काली माता का मंदिर नाहन से थोड़ा नीचे जंगल की तरफ है, और यहाँ पे काफ़ी सारे फल फ्रूट भी हैं, जैसे आम हो गए। ये भाई साहब हमारे आम खा रहे, दिखाओ जरा इनको दिखाओ। ये देखो भाई, जैसे भाई साहब हमारे आम खा रहे, और यहाँ पे आम के पेड़ है, ये बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ भी है यहाँ पे। और बाकी दिखाता हूँ भाई, बहुत पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। तो आओ हम आपको दिखाते भाई जी। तो गाइज ये है पहला मंदिर जहाँ पे काली माता है रखी हुई, हम आपको अंदर दिखाते हैं, जहाँ काली माता की मूर्ति है भाई। ये बहुत पुराना है, और इसकी भाई घंटी तो देखो, मतलब मेरा हाथ भी पहुँच नहीं पा रहा भाई ऊपर घंटी तक, इतना ऊपर है इसकी घंटी। और मैं सोच रहा इसकी घंटी बजाने की, और कैसे बजाऊँ भाई कि बंदे। संजय भाई अंदर आ जा यार, जूते खोल के, तेने फोन पकड़ना है बस। अरे यार यार, साले देखो कैसे खा रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ी पहले माथा टेक ले। और अरे ने ते यहाँ तब अंदर नहीं आना मंदिर के, यहीं पे उड़ाते ने तब कड़ा कर सॉक्स नहीं उतारनी। एक वहाँ पे परे आम, तुमने आम खाना है वहाँ पर रखे हुए। ले भाई ये देखो गाइस, पहले घंटी देखो यहाँ की, तो अंदर यहाँ तक तो आ जा भाई अंदर यार। ले ये देखो भाई, इसकी इतनी ऊपर है घंटी भाई, ये घंटी रुक जा भाई, तो अभी मेरे को दिखाने दे। और गाइस यहाँ मतलब ये देखो काली माता का मंदिर है, तो यहाँ पे नारियल रखा हुआ भाई किसी ने, और माता के लिए यहाँ पे जो ये एक बार ये भाई मेरी आंखें दिख रही शीशे में यार, बिंदिया रखी हुई माँ के लिए। और अंदर अभी अंधेरा है तो ज्यादा क्लियर भाई अभी दिख नहीं पाएगा आपको। बहुत पुराना मंदिर है भाई ये, बहुत ज़्यादा यहाँ पे संदूक रखा हुआ, और अंदर माता की मूर्ति है, उनके लिए भाई चुन्नियाँ लगाई हुई है भाई। जो ये मंदिर है इसका ये देखो आप पीछे स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, पता नहीं मैं इतनी नॉलेज है नहीं कौन सी शैली में बनाया गया इस मंदिर को। आप ऊपर देखना इसका जो मतलब ऊपर से ऐसा है गोल गोल गुंबद टाइप में बनाया गया है उसको, और सेम ये इसको भी दूसरी शैली। ये देखो यहाँ पर भाई ऊपर से ये गोल है, और ये दूसरे स्ट्रक्चर में बनाया गया है, ये दूसरे स्ट्रक्चर में, इसको मतलब शैलियाँ बोलते हैं। अब कौन सी ये वाली शैली कौन सी होगी और ये वाली कौन सी होगी मेरे को पता नहीं, पर इधर आम गिरा ये ज़रूर पता है। लो भाई लो है, इधर बहुत सारे आम है भाई, दे देंगे। ले कौन सा, लो भाई ये देखो भाई जी आम खा रहे। ये कच्चा वाला कच्चा है, ये भी तो है नीचे को। और गाइज यहाँ पे है काली माता की मूर्ति ये अंदर लगाई हुई है देखो गाइज, और यहाँ पे जो घंटी है ये थोड़ी क्लोज है भाई, जय हो। और बाकी यहाँ पे है शिवलिंग रखी हुई। अब देखो भाई जहाँ जहाँ काली माता का मंदिर होता है वहाँ शिवलिंग तो जरूर होती है भाई, ये शिवलिंग रखी हुई है यहाँ पर। और ये देखो भाई बाहर साथ में हनुमान भगवान भी है भाई, क्योंकि हनुमान भगवान जो है वो महादेव का रूप माने जाते हैं, और इधर बीच में महादेव है हमारे, और इधर बिल्कुल सेंटर में शिवलिंग रखी हुई है। इनको दो नहीं सकता। ये देखिए रस देखिए। देख भाई रिचो। ये देखो भाई कैसे गंदे तरीके से खा रहे हैं बंदे। गंदे नहीं भाई, अच्छे तरीके से खा रहे, बिल्कुल शुद्ध। बेटा व्यूज कम हो जाएगा ऐसी ऐसी चीजें दिखाए। कोई बात नहीं भाई, असलियत दिख रही भाई मेरे दोस्त। अभी देखना जब ये इसको चूसेगा। ये देखो भाई
सारी गुटली मुंह में ले ली। भाई लोकेशन चेक करो गाइस, यहाँ की एकदम हरा भरा। छुपम छुपाई नहीं, चुपन छुपाई भाई, जो भी है। ये देखो गाइस मंदिर देखो पहले तो। तो ठीक है गाइस, मंदिर बहुत सुंदर है। और भाई अगर हाँ आपको लोकेशन बता दूं मैं, अगर आपने भाई खत्म हो जाएंगे तो। क्या आम तोड़ने दे भाई, खत्म मंदिर भाई, मंदिर तो आएंगे लोग क्या। ओ भाई ये आम दे तो गाइस इस मंदिर की लोकेशन है नाहन में जो सेंटर जेल है, वहाँ से नीचे को एक जंगल का रास्ता आता है, बस वहीं से नीचे एक कर्नल का घर है आर्मी वाले का। तो आर्मी वाले के घर से थोड़ा नीचे 100 मीटर आगे चल के यहाँ ये मंदिर है भाई, और आप आ सकते हैं। और बहुत सुंदर लोकेशन है गाइस। ऊपर जा यार अक्षत, कहाँ जाओ ऊपर, पेड़ के या फिर नीचे को चलते हैं। पेड़ नीचे को भी आम के पेड़ नीचे, वो दिख रहा है इतना बड़ा पेड़ है, वो आम आया, आम आया पर एक और ऐसे ही तो लकड़ा आया। तो गाइस देखो हम आ रहे हैं आम के पेड़ पे, नीचे मैं चढ़ चुका हूँ भाई। आ जाओ भाई जी, आ जा ऋषभ भाई, तुमने जब पकड़ी ऐसे रखा भाई, हाँ ऐसे आ अभी भाई, नहीं पकड़ी पकड़ी नहीं यार, ले हाथ दे ऊपर, मेरे को दे ऊपर हाथ, मेरे ऊपर नहीं गिरा ये तो पैरों के ऊपर पत्थर। गुड 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 संजय भाई, गुड गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा भाई घूम जा, गुड गुड ब्रो गुड, आजा आजो आजो आजो, नहीं आ पाऊंगा भाई, आ दे नहीं तो, हाँ ऐसे भी गुड गुड, ये घूम जा घूम जा, कैसे बैठा गया भाई, आजा 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 गाइस। यहाँ पर ही हम आप आम देख सकते हैं भाई। गाइस हमने पहला आम तोड़ लिया गाइस, ये देखो ऋषभ भाई, देखो भाई आम आम आम, आहा बहुत मीठे भाई बहुत मीठे। गाइस जो आम खाने का मजा है ना भाई, वो पेड़ पे चढ़ के ही है, मेरे को पता भाई, मेरे पीछे बहुत आम है। हाँ गुड ब्रो भाई, असली आम खाने का मजा है पेड़ में चढ़ के। हाँ यहाँ से दे आम ला यार, कहाँ है ये, इसके नीचे दिखने दे दो, ये वाली तेनी यार वाली। सही बात है ना संजय भाई, आम खाने का मजा है पेड़ में चढ़ के। क्यों ऋषभ भाई, अभी हम पेड़ की ऊंचाई पे है कम से कम 100 मीटर ऊपर, अगर आप हिमाचल में आएंगे तो भाई पेड़ में चढ़ के कोई फ्रूट उठाना क्या है, है बहुत है भाई। नीचे से दिख रहा मेरे को, नीचे गिरा तो खत्म कहानी। ये देखो भाई जैसे ये इधर आम है, ठीक है इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, इसको यहाँ से फिर जम छिलेंगे। मेरे को टी शर्ट खोलनी चाहिए थी यार भाई, मेरे को पता था ना गर्मी है तो मैं है नी, क्यों मेरे को तो गर्मी है भाई, जैसे ये है 6 फीट का मैं हूँ, मान के चल 6 का 1-2 इंच कम हूँ, बहुत स्वाद है पर एक तो 10 तो संजय इसमें लटक जाएंगे आराम से मजे में। ये वाला कच्चा है, तुम्हारे को पक्का आम चाहिए भाई? हाँ दिख रहा है मेरे को। तो यार अक्षत रहने दे, तू नीचे निकलना वहां से। ये देखिए अक्षत पेड़ की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर, उसके बाद हूँ मैं यहाँ पे देखिए, और उसके बाद है ये हमारे ऋषभ जी, इनके थोड़ी देर पहले मुंह में आम फंस गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला गया अक्षत और मेरे बहुत प्रयासों से। ये देखो गाइस हमने ताजा ताजा आम तोड़ा, ये देखिए नीचे पकड़ा इसको। तो गाइस हम आ चुके हैं आम लेकर वापस, और ये देखो भाई इतने सारे आम, और यहाँ पर नीचे आम धोएंगे हम अभी। मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया, आम खा के तो मज़ा आ गया, बाकी ये इधर अभी धो धा के नीचे ले जाएंगे। नीचे आया आम पकड़ा, मैं धो के लेता हूँ। ठीक है आ गया भाई, यहाँ जामुन भी है बहुत सारे, पर भाई जामुन मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है यार, हम तीनों में से किसी को पसंद नहीं है। तो भाई यहाँ पर आम धोने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देखो भाई बीच जंगल में आम के पेड़ होते हैं, और फिर उनको धोने के लिए भाई ऐसा नेचुरल पानी मिल जाए, मज़ा आता है भाई मज़ा मज़ा आ जाता है। आम पकड़, कहाँ भाई कहाँ ले जा रहे इतने सारे आम तो ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय श्री राम।